बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में चुटकी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वही जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। वो बहुत ही दयालु थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और सभी के साथ बड़े खुशी से, बड़े प्यार से रहते थे। सभी पक्षी अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। आग लगने से सभी पक्षी डर गए, क्योंकि आग तेजी से जंगल में फैल रही थी। सभी पक्षी एकजुट होकर सभी पक्षियों ने फैसला किया कि हमें इस जंगल की आग बुझानी होगी। ये हमारा जंगल है। तभी चुटकी चिड़िया सामने जाती है और सामने जाकर चुटकी चिड़िया को एक नदी दिखाई देती है। उस नदी से चुटकी चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लाती है और उस आग लगी होती है वहाँ पर जाकर वो छिड़क देती है। सभी पक्षी देखते हैं कि चुटकी चिड़िया कितना कुछ कर रही है और हम ऐसा ही बस सोच रहे हैं। तभी चुटकी चिड़िया की कोशिश देखकर सारे पक्षी सोचने लगे कि हमें सोचना नहीं चाहिए, बस हमें चुटकी चिड़िया की मदद करनी चाहिए, बस काम के लिए शुरू हो जाओ। तो सभी पक्षी उस नदी में से पानी अपने चोंच में लाकर आग में फेंक देते थे। तभी सबने मिल बांट कर ये काम कर दिया तो आग बुझ गई और सभी पक्षी बहुत ही खुश हो गए। वो कहने लगे कि हमें ऐसा ही रहना चाहिए, हमारे बस्ते में और हमारे जंगल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशी से रहने चाहिए, तभी तो हम बहुत ही खुश रहे।